बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के आंगन में शहनाई बजने वाली है। बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय के बीच अनबन की खबरों के बाद एक बार फिर बच्चन परिवार में खुशियों ने दस्तक दे डाली है। खबरें हैं कि अमिताभ बच्चन अपनी इकलौती नातिन की शादी करने जा रहे हैं। नव्या नंदा जल्द बॉयफ्रेंड के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली है। तो आखिर इस खबर पर किसने मुहर लगाई है, क्या है इस खबर की सच्चाई और क्या है ये पूरी खबर, आइए जानते हैं डिटेल से। दरअसल नव्या नंदा इन दिनों अपने पॉडकास्ट व्हाट द हेल नव्या से काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। पॉडकास्ट के दौरान नव्या ने नानी जया से शादी के फैसले पर सवाल किया था। उन्होंने अपनी नानी से पूछा था, क्या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी करना ठीक है, क्या दोस्ती में रोमांस लाया जा सकता है। उनके इस सवाल पर नानी जया ने कहा, हाँ क्यों नहीं। फिर श्वेता बच्चन ने बेटी से कहा, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि अगर दोस्ती में दोस्त के लिए फीलिंग आ जाए तो क्या आगे बढ़ना चाहिए। तो हाँ, इसमें गलत ही क्या है, क्योंकि एक ही जिंदगी है, वो भी छोटी सी। इस पॉडकास्ट के बाद खबरें सामने आ रही हैं कि जल्द नव्या अपने बेस्ट फ्रेंड और रूमर्ड बॉयफ्रेंड सिद्धांत चतुर्वेदी से शादी कर लेंगी और बच्चन परिवार को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है। हालांकि ये सब अफवाह है, दोनों परिवारों की तरफ से ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, ऐसा कुछ फैंस का मानना है। वहीं दूसरी तरफ कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि नव्या जल्द ही शादी कर सकती हैं, क्योंकि सिद्धांत और नव्या कई बार साथ में स्पॉट होते रहे हैं। वेल, अब आप बताइए आपको क्या लगता है। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, सुनने के बाद, क्या आपको भी यही लगता है कि नव्या और सिद्धांत जल्दी ही शादी करने जा रहे हैं? बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में।